वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में दलीय स्थिति, राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग की अवधि और राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। पूरी चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार ने 9 नई नीति जारी कर दी है। अब 9 दिनों में 9 नीतियां पढ़ेंगे, हालांकि 2 पढ़ चुके हैं, 7 नीतियां 1 इस सप्ताह पूरा पढ़ेंगे और साथ में राजस्थान डेली सुज्जत सार की कहानी भी हम पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और मंथली। कल मैंने नवंबर मंथ की आपको क्लास दे दी, जिसने नहीं देखी वो जरूर देखें। तो करें स्टार्ट 5 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को हर महीने कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी, 5,000 रुपये की। राज्य युवा महोत्सव के आयोजन के लिए किस तिथि को चुना गया है, 12 जनवरी को। तो पहला राज्य युवा महोत्सव 12 जनवरी 2025 को बनाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, टोटल 7 किस्त, 21 वर्ष पूर्ण, स्नातक पूर्ण, 1,00,000 रुपये। गौशालाओं के लिए अनुदान वृद्धि से बड़े गोवंश के लिए प्रतिदिन अनुदान राशि 40 रुपये से बढ़ाकर 44 कर दी, यानी 10% की वृद्धि की है, और छोटे जो 20 रुपये उनके लिए 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 22 कर दी। फिर हमने पढ़ा 3 से 6 दिसंबर 2024 को आयोजित जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू फोक आर्ट्स, और राजकोप सिटीजन ऐप का नीड हेल्प फीचर किसके लिए विशेष रूप से शुरू किया गया है, संकटग्रस्त महिलाओं के लिए, और हाल ही में राजस्थान की पूनम कंवर ने किस पर्वत की चोटी को फतेह किया है, किली मंजारो। ये कल क्वेश्चन पढ़े थे और इसकी क्विज आपको मिल जाती है और वन लाइनर PDF मिल जाती है। इसके अलावा आपको टेस्ट मिलता है नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके, लो भी आपके लिए सुनहरा अवसर। 2024 और 25 नई टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की वार्षिकांक 2025 शुरू हो चुकी है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 का करंट और फ्री में मिलेगा 2024 का करंट अफेयर्स। अब हमने नई मुहिम स्टार्ट कर दी अभी, नानक क्लासेस 3-in-1, यानी डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट ये तो होते थे, अब आपको मंथली पूरे एक महीने का वीडियो भी मिलेगा। पूरा जैसे ही मंथ होगा वो एक महीने का वीडियो भी मिलेगा, हो सकता है 15-15 दिनों के 2 पार्ट में मिल जाए, ठीक है, और वीकली PDF और मंथली PDF। तो 2024 का तो फ्री मिलेगा, पूरे साल का 2025 का। अब 2025 में टेस्ट के साथ साथ आपको वीडियो भी मिलेगा, लेकिन वीडियो मंथली मिलेगा। तो अब इसको ज्वाइन कर लेना, पुराने वाले की जरूरत नहीं है, 2024 वाला अपने आप करंट मिल जाएगा। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कुल कितने विधायक हैं और किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं, क्योंकि स्थिति बदलेगी। उपचुनाव हुए थे 7 सीटों पे और 7ों विधानसभा सदस्यों को शपथ दिला दी गई है, तो शपथ दिलाई गई है तो निश्चित है कि कुछ परिवर्तन हुआ है। तो कुल विधायक 200, भाजपा के 119, कांग्रेस के 66 और बसपा के 2, ये ऑप्शन हमारा सही बैठता है। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान विधानसभा में दलीय स्थिति क्या बनती है। अब ऐसा प्रश्न पेपर में आ जाए तो आप गलत नहीं करोगे। देखो, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की दलीय स्थिति इस प्रकार है, कुल विधायक 200, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 119 विधायक, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा 2 विधायक, कांग्रेस पार्टी के पास 66 विधायक, राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD के पास 1 विधायक, भारतीय आम आदमी पार्टी BAP के पास 4 विधायक हो गए हैं और निर्दलीय विधायक है 8, ठीक है, ये कुल मिला के 200 होते हैं। अब यहां से प्रश्न आपको चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है चाहे RPSC पूछे पूछेगी, क्योंकि करंट आ रहा है लगभग 1 साल का, 1 साल से पार जा रहा है एग्जामिनर, तो ये प्रश्न अब अगली साल आएंगे, इसलिए अब याद करना जरूरी है। मैं अपडेट वीकली मंथली टेस्ट में वगैरह में करवाता ही रहूंगा आपको जब जब स्थिति आएगी। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की दलीय स्थिति इस प्रकार है, इसको नोट करके रखना। और महिला, टोटल महिला विधायक है 21, कितनी है 21, 10 तो है भाजपा की, 9 है कांग्रेस की और 2 है निर्दलीय, तो ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखो, राज्य सरकार अपने एक साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में कब और कहाँ मनाने जा रही है? जी बिल्कुल, 15 दिसंबर को राजस्थान सरकार अपनी पहली वर्षगांठ बनाएगी इसकी, इस सरकार की। तो अपने एक साल के कार्यक्रम को उत्सव के रूप में कब और कहाँ मनाने जा रही है? तो 12 दिसंबर से स्टार्ट करेगी और 17 दिसंबर तक चलेगा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अंदर अलग अलग टाइप के कार्यक्रम है आयोजित किए गए। अभी चर्चा चल रही है ना, शिक्षा को समर्पित होगा, किसानों के लिए सौगात मिलेगी, युवाओं को सौगात मिलेगी, क्या क्या है वो देखते हैं। तो ढंग से पढ़ना, आजकल एग्जामिनर जो सरकार के प्रति जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ ही पूछ रहा है, इसलिए हमें इन चीजों को डेली पढ़ना पड़ेगा। तो राज्य सरकार अपने साल के कार्यकाल का उत्सव 12 से 17 दिसंबर तक मनाने जा रही है। इस उत्सव के कार्यक्रम 4 संभागीय मुख्यालय पर आयोजित होंगे, जिसमें फोकस रहेगा युवाओं पे, महिलाएं, किसानों पर फोकस रहेगा। तो 12 दिसंबर को क्या बनाएंगे? राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव जोधपुर में बनेगा, जिला स्तरीय कार्यक्रम भी होंगे और युवा सम्मेलन व रोजगार उत्सव बनेगा। और इसमें रन फॉर विकसित राजस्थान, जिला स्तरीय प्रदर्शनी और जिला विकास की पुस्तिका का विमोचन होगा। उसके बाद 13 दिसंबर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा कायड़ अजमेर के अंदर। 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन होगा गांधी मैदान उदयपुर के अंदर। 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी होगी जयपुर के अंदर, अंत्योदय सेवा शिविर भी जयपुर में लगेगा। और 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा दादिया वाटिका जयपुर के पास और मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो ये कार्यक्रम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है डेली अपडेट में। अगला प्रश्न, किस जिले के जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जिले के जिला कलेक्टर को, जिस प्रकार पिछली साल सुनीता सुनीता गुप्ता को प्लस जो नारायण सेवा संस्थान की ट्रस्टी है, ठीक है, उनको सम्मानित किया गया था। अब की बार 2 जिला कलेक्टर सुलुम्बर और डूंगरपुर के जिला कलेक्टर को 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर, दिव्यांगजन दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ नई दिल्ली में और मुख्य अतिथि थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सम्मानित हुए दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 33 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसमें राजस्थान के डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह हैं और सुलुम्बर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु के जिला कलेक्टर ने यह सम्मान प्राप्त किया। इन दोनों को याद रखना, और उद्देश्य तो हमें पता ही है कि दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रयासों को पहचानना और बढ़ावा देना। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय सम्मान समारोह हुआ, उसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी इसका आयोजन किया गया। बूस्टर डोज देखें, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस राजस्थान सरकार का सम्मान समारोह है। इसके अंदर हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी और लगभग 59 विशिष्ट योग्य जनों और दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत संस्थानों को सम्मानित किया। प्रत्येक को 10,000 रुपये नगद प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। तो यहाँ आजकल एग्जामिनर अभी प्रश्न आया था एक कि भूपेंद्र यादव ने एक अध्यक्षता की थी ना, साथ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा थे। ऑप्शन भी दो दो दे देते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें गौर करना है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह का आयोजन हुआ तो उसमें अध्यक्षता किसने की? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने, और नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा की थी। अगला प्रश्न देखिए, ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल के तहत टेली मेडिसिन सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लो जी, अभी चर्चा में भी चल रहा है और पेपर में भी, सीटी के पेपर में आ चुका है, टेली मेडिसिन सुविधा किसके लिए है? चिकित्सा विभाग के लिए है। तो देखो, ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल के तहत टेली मेडिसिन सुविधा का मुख्य उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्साओं से ऑनलाइन परामर्श प्रदान करना। एक तो हम आजकल इतनी हॉस्पिटल वगैरह में भीड़ है तो ऑनलाइन जाके परामर्श लेना बड़ी मुश्किल होती है, अब ऑनलाइन परामर्श मिल जाता है, जी मेरे ये तकलीफ है, ये हो रहा है, तो आप बताइए। वो सुविधा दे रखी है, पोर्टल है ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल और इस सुविधा का नाम है टेली मेडिसिन सुविधा, ठीक है, यानी ऑनलाइन माध्यम से आपका, आजकल तो AI के माध्यम से वगैरह इलाज भी ऑनलाइन हो रहा है। ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल के तहत जो कि केंद्र सरकार की टेली मेडिसिन सुविधा का हिस्सा है, राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के दौरान लगभग 100 चिकित्सा संस्थानों में सुविधा को शुरू किया था। उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विशेष ये चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श प्रदान करना था।
टेलीमेडिसिन चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा विभिन्न दूर संचार सुविधाओं के उपयोग को संदर्भित करता है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से अपने रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। तो इतना जरूर याद रखना, क्योंकि सीईटी में प्रश्न आ सकता है कि टेलीमेडिसिन का संबंध है चिकित्सा संस्थान से, और किस पोर्टल पर उपलब्ध है ये, ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल पर। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स लीडर्स एसोसिएशन जिसको कहते हैं फाडा, ने राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का एमओयू किया है, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, 2700 करोड़ रुपए। ये राइजिंग राजस्थान के तहत किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, पशु परिचर में एक प्रश्न आया कि राइजिंग राजस्थान के अकॉर्डिंग राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में कितने स्थान पे है, तीसरे मामले में। अब ये राइजिंग राजस्थान के तहत फाडा ने, फाड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये फाडा ने फाड़ दिया। ऑटोमोबाइल्स लीडर्स एसोसिएशन कितने करोड़ का, 2700 करोड़ का राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है। तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स लीडर्स एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर ने राइजिंग राजस्थान में 2700 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। इस एमओयू के तहत राज्य के 20 जिलों में ऑटो रिटेल जोन स्थापित किए जाएंगे, जिससे राज्य के विकास को गति मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्य बिंदु, स्थापित किए जाने वाले रिटेल जोन है प्रमुख शहरों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और अलवर, और अगर छोटे शहरों की बात करें तो दौसा, बालोतरा, कोटपुतली, टोंक, सिरोही। भूमि की आवश्यकता, प्रत्येक जोन के लिए लगभग 25 एकड़ भूमि, 20 एकड़ वाहन लीडरशिप के लिए और 5 एकड़ सहायक सेवाओं, कौशल केंद्र, टायर शॉप, फाइनेंस, बीमा के लिए होगी। देखो कोटपुतली और ये सारे आगे, इसका मतलब अब जिले वगैरह कोई नहीं हटेगा, जिले वगैरह नहीं हटेंगे, कोई एक आधा परिवर्तन हो जाए बाकी कोई चांस नहीं है। इसलिए बेझिझक होकर तैयारी करो अच्छे तरीके से। एग्जाम अब तक सरकार कोई फिक्स नहीं है कि जिले हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, उनकी सीमा क्या है, इसलिए जितने भी पर्सन आएंगे वो पुराने के हिसाब से आएंगे, इसलिए पुराना सिस्टम पढ़ते रहिए और नए को याद करते रहिए बस। सातवें राज्य वित्त आयोग की अवधि क्या होगी, ये लो जी सातवें वित्त आयोग की। राजस्थान सरकार, अभी छठा वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। अब नया वित्त आयोग गठन, अब प्रश्न कितनी बार आएंगे कि राज्य में कौन सा वित्त आयोग गठन होगा, सातवां, इसकी अवधि क्या रहेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसकी अवधि रहेगी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक, इस अवधि को याद रख लेना। अब इसके अध्यक्ष कौन बनाएंगे तब तब की बात है। तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने बताया कि पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं के लिए सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अवधि, इस आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से छपने वाला। सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन है को मंजूरी मिल चुकी है, इसके जब अध्यक्ष बनेंगे वो तो बार बार आना है, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह जी को आपने कितनी बार देखा होगा कोई अंदाजा नहीं है ना, तो ये आपको याद रखना। एक प्रश्न, राजस्थान सरकार ने 9 नई नीति जारी कर दी है, ले भी कोई पिछली सरकार ने 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में जो 23 तक जो भी जारी की थी उन पे पानी फिरते हुए, यानी उनको और रुझान में देते हुए अब एक और 9 याद रखनी है, नई ताजा 9 दिन। अब हम पढ़ेंगे 9 दिन 9 नीतियां। पहली एक नीति पढ़ते हैं, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो सीधी सी बात है कि जिलों के विशिष्ट उत्पादों और इसको शिल्पों को बढ़ावा देना, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो ही होगी ये समझ लो। अब 3-4 साल एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 पूरी डिटेल देख लो ढंग से, दोबारा न देखनी पड़े। एक, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 उद्देश्य है जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना है, कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय बढ़ाना है, जिलों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, प्रावधान और लाभ, मार्जिन मनी अनुदान सहायता, नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक अनुदान सहायता, लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक। भाई जी ये प्रश्न आएंगे ना कथन निष्कर्ष वाले आएंगे ऐसे, बोले इतने 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 जितने उतने, तकनीकी और सॉफ्टवेयर सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान ले सकते हो आप,
क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर 75% या अधिकतम 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण हो जाएगा। विपणन सहायता, विपणन आयोजकों में भाग लेने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आपको सहायता मिल जाएगी। उसके बाद ई कॉमर्स प्रोत्साहन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष 2 साल तक। कैटलॉगिंग और वेबसाइट विकास 60% या अधिकतम 75,000 रुपए तक एक मुफ्त सहायता हो जाएगी। महत्व, इस नीति से प्रत्येक जिले को उनके विशिष्ट उत्पाद और शिल्प कला के लिए पहचान मिलेगी। ये लो जी, 9 में से 1 क्लियर हो गया। हालांकि 2 और बताई थी मैंने, थोड़ी थोड़ी बताई थी, अब पूरी पूरी बताऊंगा। 9 दिनों में 9 नीतियां कवर करनी है और एक एक को ढंग से पढ़ लेना, ये सोच लेना, ठीक है। और इसमें मैं इनकी पीडीएफ वगैरह डलवाता रहूंगा सेट कर करके, किसमें, ये राजस्थान करंट अफेयर्स की जो नई शुरू हो चुकी है वार्षिकांक 2025, इसमें मैं सेट करके आपको पीडीएफ भी डलवाता रहूंगा, ताकि समय समय पर आप प्रिंट निकाल के पढ़ते भी रहना। बस कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए, खूब मेहनत करनी है। और सुजस बुलेटिन, ये देखो मुख्यमंत्री ने 9 नीतियों का अनावरण किया, पूरा सुजस एकदम सरकार का जो डाटा उसी के हिसाब से काम करेंगे। देखो सरकार की 9 नीतियां ये आपके सामने। राजस्थान सरकार विजन, किसान, महिला, मजदूर, युवाओं का सशक्तिकरण, ये मैंने आपको बता दिया। 4 संभागों के अंदर आयोजन किए जाएंगे। राइजिंग राजस्थान में दिव्यांग बच्चों की कला कुशलता उचित सम्मान मिलेगा, यानी सब। और ये भी आप सबके लिए जो योग्य है, खाद्य सुरक्षा योजना में 31 जनवरी से स्वेच्छा से अपना नाम हटा लें। अगर नाम नहीं हटाया तो गिव अप अभियान के तहत आप पे कार्रवाई होगी, ठीक है। तो याद रखना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज है शिवसर, ताकि आपको ये अपडेट हमारी सारी मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, किस जिले के ढोलीखेड़ा गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है, तो आप सभी का सही जवाब था भीलवाड़ा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, 50,000, 1 लाख, 25,000, 10,000। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोच, 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो आज तक एक ही बनी है, वसुंधरा 2 बार बनी है। राजस्थान में ऊंटों के देवता पाबू जी, चूरू, झुंझुनू और मानगढ़, सुरतगढ़, गंगानगर में सेखावटी बोली बोली जाए। राजस्थान में किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है, दीपावली पर। राजस्थान में गांधी सागर बांध है चंबल नदी। ये 5 क्वेश्चन पशु परिचर में आए थे, आप इनके जवाब दीजिए, आपको पता लगे भी कैसे प्रश्न आ रहे और हमें आते हैं कि नहीं आते। अब 5 प्रश्न और, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है। गणगौर के त्यौहार का आयोजन किस माह में होता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। लोक देवता गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था। और कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है। 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आपके लिए एक और खुशखबरी मैं आपको बता देता हूँ, 7 दिसंबर से पूरे साल की करंट अफेयर्स आ रही है। 7 दिसंबर से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी वार्षिकांक और RBSE ये चल रही है, बुक भी उपलब्ध है और इसके टेस्ट भी ऐप में उपलब्ध है। रीट मुख्य परीक्षा का पहला टेस्ट 12 दिसंबर को होने जा रहा है। रीट पात्रता का पहला टेस्ट 7 दिसंबर को होने जा रहा है। और वीडियो कोर्स भी है, मुख्य परीक्षा पात्रता के टेस्ट सीरीज भी है। 70 टेस्ट मिलने हैं टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एकदम ताज़ा पहला टेस्ट अभी शुरुआत होने जा रहा है, नई टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड दोनों की, फर्स्ट ग्रेड का 10 दिसंबर को पहला टेस्ट है, पूरे सिलेबस पर आधारित। टेलीग्राम पर डाल दिए मैंने, कोई भी चीज़ देखनी हो। और राजस्थान GK की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, नई अवस्था के साथ, एक टॉपिक एक दिन टेस्ट सीरीज। तो तैयार रहो, मस्त रहो, बस तैयारी करते रहो, कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। और जो आपको योज YouTube पर सियाग सर साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उनका न्यू वीडियो कोर्स ऐप में उपलब्ध हो चुका है। भी कोई भी विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना चाहता है सियाग सर से, तो आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके और वीडियो कोर्स ले सकता है। RSPRE की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेहनत करनी है बस, आपको डाटा इतना उपलब्ध करवाया जा रहा है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी प्रकार की। बस निरंतरता रखो, मेहनत करो और पढ़ते रहो, सफलता आपको मिलनी मिली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।